गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बेटर। सो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चैप्टर 3 है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं? वैसा फाइबर जो मानव के द्वारा बनाया जाता हो। किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाया जाता हो तो उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और इसी को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैन मेड फाइबर, या आप इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? आर्टिफिशियल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का 3 नाम है, एक तो सिंथेटिक फाइबर, सेकंड आप बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर क्योंकि मानव के द्वारा बनाया जाता है, और इसी को आप आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक भी क्या है? एक तरह का मैन मेड फाइबर ही है। तो मेनली हम लोग को सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में ही इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। अब रहा बात ये मैन मेड फाइबर क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है, ये हम लोग देख लें। यहाँ पे कह रहा है कि द क्लोथ, क्या बोल रहा है कि द क्लोथ विच वीयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि जो भी ये हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा जो हम लोग ये पहनते हैं, ये कपड़ा है ना, तो हम लोग पहने हैं, तो किससे बना है? तो फैब्रिक से बना है। किससे बना है? फैब्रिक से। और ये फैब्रिक किससे बना है? तो फाइबर से बना है। फैब्रिक किससे बना है? फाइबर से। फाइबर क्या है? एक तरह का धागा है। अब छोटे छोटे धागे से क्या बना है? एक फैब्रिक बना है, फैब्रिक से ये कपड़ा बना है। और ये रहबत आता किससे है? तो ये नेचुरली या आर्टिफिशियली, दो स्रोत है फैब्रिक का, एक नेचुरली एक आर्टिफिशियली। यानी कि फैब्रिक जो है दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर, एक होता है मैनमेड फाइबर। तो जो फाइबर नेचर के द्वारा ऑब्टेन होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है, उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सिल्क है, जूट है, कॉटन है, ठीक है, ऊल है, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। और आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि वैसा फाइबर जो फैक्ट्री में मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें आपका नायलॉन है, रियॉन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है। तो कह रहा है कि कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। अभी नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल बताया ना आपको, कॉटन, क्या बताया, कॉटन, सिल्क, ऊल, जूट, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। अब आगे कह रहा है कि फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स में फाइबर की बहुत बड़ी वैरायटी यूज किया जाता है। हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी कि हम अपने घर में फाइबर, तरह तरह के फाइबर का यूज करते हैं, जैसे बकेट यानी बाल्टी का यूज करते हैं, जग का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, वो सब के सब क्या है? फाइबर ही है। मेक ए लिस्ट सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, कह रहा है कि कुछ लिस्ट बनाइए जो किससे बने हो, फाइबर से बने हो। कुछ कॉमन आर्टिकल्स का लिस्ट बनाइए जो किससे बना हो, फाइबर से, और ट्राई टू सेपरेट देम दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, और आप अलग करने का कोशिश कीजिए नेचुरल फाइबर को और मैनमेड फाइबर की, कौन से नेचुरल फाइबर है और कौन से मैनमेड फाइबर है, उसको आप अलग करने का कोशिश कीजिए। मेक इन टायर इन टेबल 3.1। अब लोग 3.1 में देखेंगे
यहाँ पे 3.1 दिया गया है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर में आप क्या भरिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 भर सकते हैं, 5 ही दिया है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल नंबर भर सकते हैं। नेम ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में आप यहाँ पे क्या भरिएगा, आर्टिकल्स में जैसे मानते हैं कि यहाँ पे सॉक आप भर सकते हैं, सॉक्स भर सकते हैं, ठीक है। रॉप भर सकते हैं, क्या भरिएगा, रॉप। उसके बाद से यहाँ पे आप टूथपेस्ट भर सकते हैं, क्या भरिएगा, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भर सकते हैं। कॉटन, कॉटन सिल्क, यहाँ पे जो भी भरना है भर सकते हैं, सिल्क, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि ये किस तरह का फाइबर है, तो सॉक्स यानी कि मोजा किस तरह का है, तो आर्टिफिशियल है, और ये रॉप रस्सी क्या है, आर्टिफिशियल है, टूथपेस्ट क्या है, आर्टिफिशियल है, और क्लोथ क्या है, नेचुरल है, ये भी क्या है, नेचुरल है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक है, कि कौन क्या है, ऐसे आप भर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर्टिफिशियल, कह रहे हैं कि आप क्यों कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल लेबल किए, इसलिए लेबल किए क्योंकि ये आर्टिफिशियल मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास डैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ETC आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर के बारे में, यानी कि कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर्स है जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, और सिंथेटिक फाइबर जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है, पहले ही बता दिए हैं, डैट इज़ वाई दिज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। कह रहा है कि इसको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किससे बना होता है, मानव के द्वारा बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। कह रहे कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बेड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चैन एज फिगर 1.9 देयर इज एनी सिमिलर बिटवीन टू। कह रहा है कि आप इस फिगर को देखिए, और फिगर, ये फिगर क्या है, तो एक हार है, क्या है, हार है, और ये फिगर क्या है, पेपर, पेपर का एक तरह का ज्वाइंट है, और उस दोनों में आप कुछ अंतर देखिए, आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। आगे कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो एक सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट टुगेदर ज्वाइंट, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर भी स्मॉल यूनिट के चेन के साथ बना होता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है, माला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, और ये छोटे छोटे यूनिट से बना है ना, ये से छोटे छोटे यूनिट से बना है, वही बात कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर भी छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, और प्रत्येक स्मॉल यूनिट क्या होते हैं, एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस होता है, और मैनी सच स्मॉल यूनिट कम्बाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमर, और पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है, यानी कि पॉलीमर जो है ग्रीक वर्ड से बना है, एक तो पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट, वही बात कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर जो होता है नेचर के द्वारा भी
पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर्स नेचर में भी पाया जाता है। जिसे कॉटन दिया है, कॉटन आर एग्जाम्पल इस पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, कॉटन उदाहरण के तौर पे दिया है जो क्या है, एक पॉलीमर है जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। यानी कॉटन में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या, एक तरह का पॉलीमर है। यानी कि सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज बना है किससे, ग्लूकोज यूनिट के लार्ज नंबर से। बहुत सारे जब ग्लूकोज मिले हैं तो क्या बना है, सेलुलोज बना है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के अब प्रकार पढ़ेंगे हम, तो हम लोग सबसे पहले रेयन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेयन के बारे में। तो रेयन क्या है, कह रहा है कि यू हैव रीड इन क्लास सेवेंथ डैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ए लॉन्ग टाइम। आप क्लास सेवेंथ में ये बात जान चुके हैं कि सिल्क फाइबर जो है सिल्क वर्म से ही प्राप्त होता है और इसकी खोज चाइना में हुई थी। कब, तो 5000 वर्ष पहले हुई थी और ये बात बहुत लंबे समय तक क्लोजली सीक्रेट था। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, यानी कि सिल्क फाइबर से जो भी फैब्रिक प्राप्त होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। यानी कि सिल्क फाइबर से जो भी कपड़े बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, क्या होते हैं, महंगे होते हैं। बट क्या कह रहा है कि बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबॉडी, किंतु इसकी जो सुंदर बनावट होती है सबको क्या करती है, आश्चर्यचकित कर देती है। महंगा तो होता है, ठीक है महंगा तो होता है, लेकिन कह रहा है कि बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबॉडी। रेयन जो है बहुत महंगा होता है, लेकिन इसकी जो बनावट होती है काफ़ी सुंदर होती है और प्रत्येक व्यक्ति को ये क्या करती है, आकर्षित करती है। अटैम्प वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, अटैम्प वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और सिल्क को पहली बार जो है आर्टिफिशियली बनाने का कोशिश किया गया टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कब किया गया, 19th शताब्दी के अंत में। साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल टू ऑब्टेन ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क, और जितने भी वैज्ञानिक थे वो क्या हुए, सफल हुए फाइबर प्राप्त करने में। और ये फाइबर कैसा था, सिल्क के जैसा ही था, यानी कि सिल्क के जैसा ही उसका प्रॉपर्टी था। सच फाइबर्स वाज ऑब्टेन बाय केमिकल्स ट्रीटमेंट ऑफ वूल पल्प, और ये ऐसे फाइबर वूल पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा प्राप्त होते हैं। और इस फाइबर को क्या बोलते हैं, रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। कुछ प्रॉपर्टी जो है आर्टिफिशियल होता है, कुछ जो है नेचुरल होता है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। किसको, रेयन को, या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचर वुड पल्प एट इट इज मेड फाइबर, हालांकि रेयन जो है नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है वुड पल्प अभी, और ये जो है मैन मेड फाइबर है। अभी जो है ये क्या है, मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुमेन लाइक सिल्क फाइबर, यह जो होता है सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। एंड कैन बी वुमेन लाइक सिल्क फाइबर, और इसके धागे से क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाई इन वाइड वराइटी ऑफ कलर, और इसको हम लोग बहुत सारे कलर से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बहुत सारे कलर में क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। रेयन इज ए मिक्सचर ऑफ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स विथ वुड
टू मेक कारपेट। अब रेयन क्या है? कॉटन का मिक्सचर होता है जिसको बेडशीट या वूल के मिक्स से कारपेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। और नायलॉन हम लोग पढ़ ले, नायलॉन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि नायलॉन भी क्या है, एक तरह का मैनमेड फाइबर है। नायलॉन क्या है? एक तरह का मैनमेड फाइबर है। कह रहा है कि इन 1931 यानी कि 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, यानी कि 1931 में इसको बिना नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किए बिना बनाया गया। इट वाज प्रिपेयर फॉर कोल वाटर एंड एयर, इसे कोल वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया था। इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यही पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले बना था नायलॉन जो कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये क्या है? फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर और वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है यानी लचीलापन इसमें आता है और हल्का होता है। इट वाज लुस्ट्रस एंड ईजी टू वाश, ये काफ़ी चमकीला होता है और इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसे कपड़ा बनाने में यूज करते हैं। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स रॉप, यानी कि नायलॉन का हम लोग बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बनाने में यूज करते हैं, जैसे सॉक रॉप टेंट्स टूथब्रश कार्ट ये सब जो है इत्यादि बनाने में करते हैं। नायलॉन अब कह रहा है कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं सब क्या है? नायलॉन ही है। अब नायलॉन का यूज हम लोग पैराशूट बनाने में भी करते हैं और रॉक बिल्डिंग के रॉप में भी करते हैं, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर जब चढ़ना होता है तो उसमें जो रस्सी यूज किया जाता है वो नायलॉन का ही होता है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, नायलॉन जो है एक्चुअली स्टील वायर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पोलिस्टर एंड एक्राइलिक, चलिए अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक